हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अग्निवीर बनने के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, तीनों सेनाओं ने अपना अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हम इस वीडियो में केवल बात करने वाले हैं एयरफोर्स के लिए कि अगर आपको एयरफोर्स के अंदर वायु अग्निवीर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, जो बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि हमें बहुत सी बार बड़े न्यूज़ चैनल से देखने को मिला है कि 25 साल उम्र कर दी गई है, 23 साल उम्र कर दी गई है। आप इस चीज को खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अपनी भाषा में, साफ सुथरी भाषा में कहना चाहूंगा, अगर आपकी जन्म तारीख, आपका डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1999 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 ये दोनों तारीख है, या इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं कर सकते जनाब। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी 19 है, 21 है, 23 है, 25 है, कितनी है, खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ऑन द स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है, तभी आप एयरफोर्स के अंदर अग्निपथ स्कीम के तहत वायु अग्निवीर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन बच्चों ने पिछली भर्ती के अंदर सारे प्रोसीजर सेलेक्ट हो चुका है, जो पहले से सिलेक्टेड है सारे प्रोसीजर्स के अंदर, वो बच्चा अगर उसकी किसी रीजन से अगर उसकी डेट, उसकी एज है वो एक्सपायर हो चुकी है, अगर वो 23 साल का है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ये पॉइंट भी वहां पर मेंशन ऑलरेडी किया गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है स्टडी मटेरियल के लिए, उसे जरूर डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।